ये पांच कागज हैं, इन कागजों पर आप लोगों को अपनी अपनी जोड़ियों के साथ नाचना है। तो रेडी? बहुत मजा आएगा, चलो डांस शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होश ना बाटे अब ता पागल भैनी सुनम जैसे चाशनी में डूबे ले जलेबी तोहरे प्यार में डूबल वानी हम जैसे चाशनी में डूबे ले जलेबी तोहरे प्यार में डूबल वानी हम तो चाहती हूँ पापा और रूपा आंटी ही जीते, पर दोनों अलग अलग टीम में हैं। खास दोनों एक ही टीम में होते। जैसे चाशनी में डूबे ले जलेबी जानिया ये हार नहीं उतार सकती। आराम से टूट जाएगा। अरे बहुरानी, अरे वो हार को निकाल दो, नहीं तो ऐसे सुलझेगा नहीं, निकाल दो। हाँ। नहीं हम निकलते हैं।
किए है तुम? हम क्या किए? हम का किए मतलब? यार इतना कीमती चेन हमारे बेटे का तोड़ दी हो तुम। वो तो अब हम क्या करते, हम तो हार निकाल रहे थे ना उसमें से, अब जल्दबाजी में टूट गई हमसे सारी सारी। लेकिन तुम्हारी इस जल्दबाजी के चक्कर में हम तो प्रतियोगिता हार गए। क्या करें अब, मेरी रस्म और मैं ही जीत गई। अच्छा अब आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, हम ये कागज अंदर रख देते हैं। खेल तो खत्म हो गया, मोहिनी जी और देव बाबू जीत गए हैं। बहुत अच्छे, तो हम कागज रख दें? हाँ एक मिनट। चाची कातिल है या इन दोनों में से कोई एक? रमन, इसका मतलब दूसरा कातिल रमन है। कैसे हो सकता है? हमारी हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है भोलेनाथ। ये नादान पारो, हमने तुम्हें देख लिया था ये करते हुए। किसी भी कीमत पर बाकी के दो कातिलों तक मैं इस पारो को पहुंचने नहीं दे सकता, इसीलिए सब किया है। हर एक पन्ने पर अपना पांव रखा है। कातिल ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन एक चूक हो गई उससे। कागजों पर पैर रखने के बाद उस कातिल के पैर कागज से जुड़ चुके हैं।
अब इन कागजों के साथ जो कुछ भी होगा उसका असर कातिल के पैरों पर भी पड़ेगा। अब इस कागज की जलन उस कातिल के पैरों पर भी दिखेगी। पहले कि इन कागजों पर लगी आग बुझे हमें घर वालों के पैरों को जाकर देखना होगा। रूपा, तुम्हारे कमरे में आग कैसे लगी? वो और खड़े खड़े देख कर बुझाओ उसे। तुम्हारे कमरे में पानी है। पानी? पानी? लाओ दो, हम कर दे। यार देख कर चलो। सारी सारी वो गलती से गिर गया। हम लेकर, तुम यहीं रुको, हम पानी लेकर आते हैं। हाँ, चल जाओ। किसी के पैर तो चल रहे होंगे, ध्यान से देख पा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं भी, किससे बुझाऊं? पानी। ये सब कुछ पारू का ही किया जा रहा होगा। इससे पहले वो देख ले, मुझे कुछ करना होगा। तो सब ठीक लग रहा है। दादाजी की चीख, ये सब कुछ पारू का ही किया धरा होगा। इससे पहले वो देख ले, मुझे कुछ करना होगा। देविका, मैं अब ठीक हूं। घर में किसी को कुछ मत बताना, वरना सब परेशान हो जाएंगे। किसी को मत बताना।
की आवाज से वो सांप भी बेकाबू हो रहा है। दोनों तरफ से फंस गए हैं हम। भोलेनाथ, भोलेनाथ मदद कीजिए हमारी। ये क्या है? तू शादी कर रही है और भाई का वेट भी नहीं की? एकदम गलत बात है। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? चल कोई नहीं, खाली हाथ थोड़ी ना है। ये देख, तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। अरे दादाजी, आपने बीन तो बहुत अच्छी बजाई बेटा, लेकिन माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। ये मेरा भाई है और प्यार से सब लोग इसको चंगू बोलते हैं। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? नमस्ते। 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 अरे जीजा जी, आपको तो मैं गले लगाऊंगा। और आप, क्या बात है, बीन पे तो बहुत अच्छा नाचती है। बीन पे ऐसे नाचती हैं जैसे नागिन भी फेल हो जाए। कमाल है। अरे उड़ना बंद करोगे मेरे छोटे भाई? मेरे छोटे भाई, नीचे आ जाओ। अरे देखो, यहाँ पर कोई नहीं जानता कि तुम्हारी बहन चुड़ैल है, इसलिए कोई ये भी नहीं जान सकता कि तुम चमगादड़ हो, है ना? नीचे आओ। ठीक है ठीक है, जैसे तू कहे। ये पर एक बात बता, ये बारो यहाँ क्या कर रही है? तूने इसको मारा क्यों नहीं अभी तक? रूपा है, मेरी शादी कराने आई है, पारो नहीं है। मुझे भी लगा था, पर बेफिक्र रहो, रूपा ही है। बेटा,
अगर वो रुपए तो मेरी सेटिंग करा दे, बहुत पसंद आ गई है। सुधरेगा नहीं। अच्छा एक बात बता, तेरे ये तीन साथियों का क्या? ओ अब तो दो रह गए। बोला तो बेवकूफ था इसलिए गया, बाकी दो तो तुमने देख लिए, तुम्हारे सामने ही थे। हे, अरे रुको ना, हे, बात तो कर लो। लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है?